राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माघ मास के स्नान से जीवन का जो हमें हर मन चाह सुख मिलता है। माघ मास में प्रांत्याकाल स्नान करने से, दान करने से, तप करने से, होम करने से और व्रत करने से हमें भयंकर हमारे पापों का जो नाश होता है। सबसे पहले बोलिए श्री गणपति गणेश महाराज की जय। जय गणेश मंगल करन, बरन जन्म सुख साजा, दीन जान कीजिए, दीन जाने कीजिए दया हम पर श्री महाराजा। बोल श्री गणपति गणेश महाराज की जय। बोल श्री गुरु महाराज की जय। गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरा अनमोल। दूसरा अध्याय, कल पहले अध्याय में हमने जाना कि राजा ने एक तपस्वी से कहा कि मुझे माघ मास के स्नान का महत्व के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, कृपा करके आप मुझे माघ मास के स्नान का महत्व बताइए। तो राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा, हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र ही उदय होने वाला है, इसलिए ये समय आपके लिए स्नान का है कथा का नहीं, सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इसके महात्म्य को सुनो। इस इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रविनाश में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूजी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने उसका क्या उत्तर दिया, सो बताइए। व्यास जी कहने लगे, हे सूजी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रांतिया समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति निम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपके आचार दंड नीति राज्य धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रम की क्रियाओं दान और उनके विधान जग और उनकी विधियां व्रत उसकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महत्व को सुनना चाहता हूँ, सो हे तपोधन, निजमा पूर्वक आप मुझे इस विधि को समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुम दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थियों के अंत करने को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल जो है वो गो भूमि तिल वस्त्र स्वर्ण अन्न घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्म कुरुच व्रत आदों से भी बहुत ही अधिक फल देने वाला है। वैशाख तथा कार्तिक में जप दान तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु जो माघ मास में स्नान करते हैं माघ मास में इनका फल और भी अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष है जो राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम जा भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है वह अनंत फल देने वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि प्रीति ऐश्वर्या तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक
मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र प्राप्त हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्रायणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दानों को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा ही वेद ध्वनि गूंजती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। दूसरों के पुण्य को क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। मतलब जो उसके पुण्य का कर्म होता है, जब वो समाप्त हो जाता है तो वह स्वर्ग से वापस आ जाते हैं। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, वह कभी भी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई भी नियम तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। मुग जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को जे सुनाया था, तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण ब्रिग ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो भी बतलाइए। तब ऋषि जी कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उदीनता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्यों का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप और स्वाध्याय सब कुछ छूट गया। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया तथा विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से अच्छिदित अपने आश्रम से निकलकर श्री ब्रिग ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमाचल पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतंबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद सफ्टिंग होने के तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वे पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दीवी अशोधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाता और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पतकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। ये पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभामान थी। इसकी कदराओं में काम पीरित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। वे पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं, जहाँ पर सदैव ही देवता, ग्राहकों और अप्सराओं का निवास करते हैं। दूसरा अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।
हरे हरे।